खबर रायपुर से है। कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के घर पर कार्रवाई लगातार जारी। आईटी के कुछ घंटों में खत्म होगी ये कार्रवाई। आयकर विभाग के आला अधिकारी देर रात पहुंचे थे होरा के घर पर। संपत्ति का आंकलन और दस्तावेजों की जांच फिलहाल चल रही है। जांच के बाद खत्म होगी आयकर विभाग की कार्रवाई। बता दें कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के घर पर कार्रवाई लगातार जारी है। रायपुर की खबर है, आईटी के कुछ घंटों में ये कार्रवाई खत्म होने जा रही है। आयकर के आला अधिकारी देर रात होरा के घर पर पहुंचे थे और लगातार कार्रवाई जारी है। संपत्ति का आकलन और दस्तावेजों की जांच चल रही है। जांच के बाद खत्म होगी आयकर विभाग की कार्रवाई। आयकर के आला अधिकारी देर रात पहुंचे थे होरा के घर पर। बता दें आपको, संपत्ति का आंकलन और दस्तावेजों की जांच फिलहाल चल रही है। जांच के बाद ये कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से खत्म की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हेमंत हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, रात भर से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ पहलू निकल करके सामने और आखिर कब तक ये कार्रवाई खत्म होगी? देखिए, होटल और केबल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के यहाँ पिछले 4 दिनों से कार्रवाई यहाँ पर जारी है और कुछ देर पहले को जो कारोबारी हैं गुरुचरण सिंह होरा वो अपने घर से बाहर निकले थे। देर रात जो आईटी के बड़े अधिकारी हैं जो इस पूरी कार्रवाई को लीड कर रहे हैं वो उनके घर पहुंचे थे और अंतिम प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी और जो संपत्ति का आकलन है और जो दस्तावेजों की जांच है वो वहां पर चल रही थी। हालांकि जो अभी अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक गुप्ता के यहाँ भी अब कार्रवाई खत्म हो गई है। जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं 3 गाड़ियों में वहां पर पहुंचे थे और सभी के सब बड़ी संख्या में बैगों से भरे दस्तावेज लेकर निकले हैं। हालांकि हमने गुरुचरण सिंह होरा से बात करने की कोशिश की लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बता दें आयकर के आला अधिकारी देर रात होरा के घर पर पहुंचे थे और लगातार रात भर से ही कार्रवाई जारी थी। संपत्ति का आंकलन और दस्तावेजों की जांच लगातार चल रही थी, अभी भी चल रही है और कुछ ही देर में ये कार्रवाई जो है खत्म होने जा रही है। संपत्ति का आंकलन और दस्तावेजों की जांच फिलहाल होरा के घर पर चल रही है। जांच के बाद आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म होगी। बता दें आपको, कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के घर पर कार्रवाई चल रही है। आईटी के कुछ घंटों में ये कार्रवाई खत्म की जाएगी। आयकर के आला अधिकारी देर रात पहुंचे थे होरा के घर पर, तभी से कार्रवाई लगातार जारी है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। कुछ ही देर में ये कार्रवाई खत्म होगी। ये तस्वीरें रायपुर के होरा के घर की आपको बता दें, गुरुचरण होरा, जहां पर छापा मारा गया है और देर रात टीम पहुंची थी, आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और लगातार कार्रवाई जो है रात भर से ही जारी है और अभी भी लगातार जारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये गुरुचरण होरा है जिनके यहां पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और यहां पर टीम पहुंची है, लगातार कार्रवाई कर रही है, सारे दस्तावेज खंगाल रही है और आंकलन लगाया जा रहा है आखिर कहाँ गड़बड़ी है और कितने की गड़बड़ी पाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ताला लगाया गया है, ये किसी रूम को भी सील किया गया है। ये दस्तावेज हैं जिनको खंगाला जा रहा है, जिन्हें एक एक जो पेपर्स हैं उन्हें पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कहाँ क्या गड़बड़ी है और कौन सी चीज़ें कहाँ से आई क्या थी। तो टीम लगातार प्रयास कर रही है कि जो चीज़ें हैं निकल करके सामने आ पाए और रात भर से ही ये दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के घर पर यह कार्रवाई जारी है। आपको बता दें रायपुर की ये खबर है, गोलसा अपार्टमेंट में ये गुरुचरण होरा रहते हैं, जहां पर अपार्टमेंट के सामने जो है गुरुचरण होरा रहते हैं, जहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और अभी भी उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। पेपर्स खंगाले जा रहे हैं, किस तरह की गड़बड़ियां हैं वो देखी जा रही हैं और सारे दस्तावेज एक साथ एकजुट किए जा रहे हैं, जिन्हें ले जाया जाएगा और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अभी भी जारी है।
ये तस्वीरें उन्हीं के घर की हैं जहां पर अभी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ये तस्वीरों में ताला आप देख सकते हैं किस तरह से सुरूम पे ताला जड़ा गया है, शायद कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे रखे गए हैं। और ये जो पेपर्स हैं इन्हें भी खंगाला जा रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या लेन देन है, सारी चीजें आइडेंटिफाई की जा रही हैं, देखा जा रहा है कहाँ पर क्या गड़बड़ी पाई गई है। संपत्ति का आंकलन और दस्तावेजों की जांच फिलहाल चल रही है और लगातार ये जांच रात भर से की जा रही है। छापेमार कार्रवाई के दौरान मिले इनपुट्स के आधार पर अब आयकर विभाग की का जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नए नाम अब सामने आ रहे हैं और एक ऐसा ही नाम है शराब से जुड़े कारोबारी विकास अग्रवाल का। विकास अग्रवाल के यहाँ आयकर विभाग की टीम पहुंची थी लेकिन अंदर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था, इस कारण उनके गुलछा अपार्टमेंट स्थित 3 फ्लैट को यहाँ पर सील किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये उनके विकास अग्रवाल का घर है और यहाँ पर बाहर जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो नोटिस चस्पा कर चले गए हैं। इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि अंदर किसी के मौजूद नहीं रहने के कारण इससे सील किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि 12,12,265 की ज्वेलरी, इसके अलावा 1,31,240 रुपये नकद यहाँ से जब्त किया गया है। तो अब लगातार जांच का दायरा आयकर विभाग ने बढ़ाया है और विकास अग्रवाल के इन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। हालांकि छापेमार कार्रवाई के बाद से विकास अग्रवाल यहाँ फरार हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आई है जो शराब से जुड़े एक और कारोबारी हैं सिद्धार्थ सिंघानिया, विकास अग्रवाल उसी के कर्मचारी हैं। और जब विकास अग्रवाल के फ्लैट पर आयकर की टीम पहुंची थी तो अंदर कोई मौजूद नहीं था, हालांकि घर में कुछ नौकर थे और उनसे यहां पर लॉक खुलवाकर अंदर टीम जरूर गई थी लेकिन पूछताछ के लिए विकास अग्रवाल मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके तीनों फ्लैटों पर तहसील कर दिया गया है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।